देखना कैसे ओ है। भाई, ये कैसी कैसी आवाज निकाल रहे हो आप? ये कैसी आवाज निकाली थी आपने वैसे? दिखाओ तो जरा निकाल के दोबारा से। ये क्या था? अरे ऐसी कैसी ब्रेक मारी है आपने? हम तो डर गए। ओहो, अरे भाई, ये हॉर्न भी मारती है? बजाओ जरा। दी नेक्स्ट मॉर्निंग। ये क्या है? मम्मा के लिए सरप्राइज है? मम्मा के लिए है या आपके लिए है? अच्छा, तो डैडा के लिए? डैडा के लिए भी है? वाओ। भाई तगड़ी वाली गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है और देख सकते हो आप, अभी बालों को गीला करके आया हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 8 जून 2021 और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 दिनों से बोलूँगा मैं कि गर्मी बहुत ही भयंकर वाली पड़ रही है। और मई महीना फिर भी अच्छा निकल गया और आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट जो है पूरी पसीने से लथपथ है और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। दूध लेने के लिए जाना है और नहाना धोना है, तैयार होना है, फिर स्टोर के लिए निकलना है। फिर आपसे आज स्टोर पर मुलाकात होगी और कुछ स्टोर के रिव्यूज़ करूँगा आपके सामने। बहुत गर्मी है भाई। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ बतानी थी आप सभी को कि लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया है। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया हम सभी को। और क्या सिखाया, मेन बात ये है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके हमने सब्जियां उगाना सीखा पिछले साल लॉकडाउन से। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमने जो कुछ किया है, आप देख सकते हैं कुछ सब्जियां जैसे कि भिंडी हो गई, टमाटर हो गए, मिर्ची हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है हमने उगाई हैं। और अगर मैं बात करूं इससे पहले की, तो लॉकडाउन से पहले हम एटलीस्ट वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं उगाते थे हम यहाँ पे, और अब फ़िलहाल वेजिटेबल्स भी उगा रहे हैं थोड़ा बहुत अपने गुजारे लायक, जो कि बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो छोटा सा एक है हमारे सामने, छोटा सा हमने बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, इसमें हमने ये सब कुछ किया है। बट इस समय ना एक बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि यार इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ट्रीज़ की। और इनमें होता क्या है कि कीड़े वगैरह बहुत खा जाते हैं इनको, और जिसके कारण अगर हम इनको प्रॉपरली दवाई वगैरह या फिर मेडिसिन जो भी इनका होता है वो ना दें, तो फिर इनको जो है कीड़ा वगैरह लग जाता है और फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। पर इस बारी थोड़ा ध्यान रखा गया और हमने इनकी पूरी जो है दवाई का पूरा छिड़काव करके हमने इसकी केयर की। तो फिलहाल अभी तक ये जो है अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, आगे देखते हैं इनका रिस्पांस कैसा रहता है। थोड़ा सा आपको नमूना पेश करता हूँ, देख सकते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा, थोड़ा बहुत अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा है ये, मतलब आपको लगा छोटा सा हमारा ये जो हमने बनाया हुआ है गार्डन टाइप सा। वन आवर लेटर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये पसीना कैसे मेरे माथे पे
टिमटिम आ रहा है, और आते ही एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यहाँ पर स्टोर में। आते ही सुबह सुबह क्या बोलूँगा मैं, सुबह सुबह खर्चा अफोर्ड करना और वो भी लॉकडाउन में बड़ा ही मुश्किल काम है भाई। आप शायद नॉइस सुन रहे होंगे, एक बीप की साउंड आ रही है, शायद आप सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, सुनिएगा। देख सकते हैं आप, आ रही है बीप की आवाज़ भाई। ये जो बीप की साउंड आ रही है ये मेरे DVR के सेटअप में से आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी हार्ड ड्राइव जो है DVR की वो ख़राब हो चुकी है, यानी सुबह सुबह पड़ गया खर्चा। तो अब सबसे पहले तो मेरे को ये बड़ा इरिटेट कर रही है, मैं जब से आया हूँ तब से ये टी टी की आवाज़ आई जा रही है। तो मैं इस बीप साउंड को बंद करूँगा और उसके बाद पहले तो हार्ड ड्राइव चेंज करूँगा अपने DVR की। तो देखिए सुबह सुबह एक हमें कुछ इनोवेटिव सा वीडियो मिला कि ये बीप साउंड आ रही है तो किसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले तो हार्ड ड्राइव अपनी चेक कर चुका हूँ। हार्ड ड्राइव भाइयों ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब है, उसे चेंज ही करना पड़ेगा। हार्ड ड्राइव ठीक होती नहीं है तो भाई हार्ड ड्राइव चेंज करना ही इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो हार्ड ड्राइव चेंज करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे भाई। सबसे पहले तो मैंने DVR की सेटिंग में जा कर के उस साउंड को बंद किया, और बंद करने के बाद DVR खोला, उसे उसमें से पुरानी हार्ड ड्राइव जो लगी हुई थी उसे निकाला और उसके बाद उसको चेंज किया। देन ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है भाई। वो तो देख सकते हो आते ही सबसे पहले क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई मेरे सामने। तो पहली प्रॉब्लम तो चलो सॉल्व हो चुकी है भाई। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ भाई। थोड़ा बहुत काम आया करने के लिए तो फ़िलहाल वो काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी काम आ नहीं रहा काफ़ी टाइम से, आपको पता ही है लॉकडाउन लगा हुआ है। और फिर मिलते हैं, पहले काम निपटा लेते हैं। प्रिंटर आया रिपेयर होने के लिए तो वो रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। लेटर इन द इवनिंग। देखो भाई ये हमारे छोटे उस्ताद हैं जो कि एक छोटे से पेड़ लगा रहे हैं। बेटा पानी भी डाल लो इसको। हाँ हाथ डालो आराम से, वेरी गुड। और डालो इस साइड भी डालो बेटा, बेटा साइड में भी डालो। मिट्टी नहीं निकालनी बेटा, मिट्टी नहीं निकालनी है बेटा। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। एक बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये हुई है कि जो मैं आपको सुबह एक छोटा सा रिव्यू दे रहा था, और रिव्यू क्या दे रहा था इस छोटे से अपने गार्डन एरिया का जिसमें हमने वेजिटेबल्स जो हैं उगाई हुई हैं, तो उसमें गड़बड़ क्या हुई है भाई कि हमारी मैडम ने ऑब्जेक्शन उठा दिया उस चीज़ के लिए। मैडम का कहना है कि बोलते हैं कि सारी मेहनत हम कर रहे हैं और रिव्यू आप देकर के जो है आप ले ले रहे हैं सारा का सारा क्रेडिट। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, आपके किए गए कार्य को हम दिखा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो क्रेडिट आपको ही जाता है सारा का सारा। हाँ ब्लॉग का क्रेडिट मुझे ज़रूर जाता है कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट मैं ले रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ ब्लॉग बनाना और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना करके आप सभी को दिखाना। तो आगे देखिए मैं आपको जो सुबह दिखा नहीं पाया था टाइम की कमी होने के कारण कि क्या क्या हमारे इसमें एरिया में लगा हुआ है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ देखिएगा ज़रा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ एरिया है जहाँ पर हमने कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स को उगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये रही भिंडी, बीच बीच में लगी हुई है भिंडियाँ, देख सकते हैं आप। वो देखिए बड़ी वाली भिंडी भी है बीच में, तो ये भिंडियाँ लगी हुई हैं जी। और बीच में ही एक टमाटर का भी है जी, पोटैटो, टमाटो सॉरी ये देखिए टमाटर भी लगे हुए हैं, टमाटो। ये देखिए हमारे छोटे भाई साहब, बेटा ही है बिल्कुल, भाई साहब ही कहेंगे अभी। और ये देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था सुबह कि कीड़े खा जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये पत्तों को खा लिया, वो इफ्राजमिन के का पेड़ है छोटा सा लगा हुआ है, पौधा लगा। और ये देखिए आप पत्तों को खा लिया हुआ इसने बिल्कुल, ये देखिए। अभी हम इतना कर रहे हैं इनकी देख रेख, उसके बावजूद ये देखिए इफ्राजमिन लगी हुई हैं। अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा भाई। ये देखिए ये
करेला लगा हुआ जी। ये देखिए मिर्चें लगी हुई हैं, ध्यान से देखेंगे तो। भाइयों यही सब कुछ था आज के ब्लॉग के लिए, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खुशी की खबर है मेरे लिए, आप सभी के लिए, कि आपने इतना प्यार बनाए रखा और मेरा साथ दिया। तो खुशी की खबर ये है भाइयों कि मैंने कल यानी कि 7 तारीख को 7 जून 2021 को अपने 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सब आप ही के कारण हुआ है, आपके प्यार के कारण हुआ है, जो आपने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले समय में मैं और भी बढ़िया बढ़िया इनोवेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेता आऊँगा, और साथ ही साथ थोड़ा माहौल खुल जाए तो कुछ टूरिंग वीडियोस भी आपके सामने आएंगे, पेश किए जाएंगे आपके सामने टूरिंग वीडियोस भी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो टिल देन बाय बाय। Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole.